बच्चों अब हम करेंगे स्टार्ट अपनी एक्सरसाइज 10.2 और यहां पे हम क्वेश्चन करेंगे फर्स्ट। देखो 10.2 एक्सरसाइज के अंदर हमें क्वेश्चन क्या गिवन है कि रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर हैव सेम रेडियाई, यानी कि वो कहते हैं कि इसको ध्यान में रखो कि भाई हमारे पास अगर हम कहते हैं दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट है यानी उनके रेडियस आपस में सेम है, ये चीज आपको बता रहा है। देन कहता है प्रूव दैट इक्वल कोर्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर, यानी कि अब हमें ये प्रूफ करना है कि दो सर्कल है जो आपस में क्या है कॉन्ग्रुएंट है। देन वो कहता है कि अगर हम उसमें दो कोर्ट्स है जो आपस में क्या है इस सर्कल में और सर्कल में इक्वल है, मैं डायग्राम बना देता हूँ साथ साथ ताकि समझ जाए हम इसको, आ जाइए तभी समझ पाएंगे, एक सेकेंड रुक जाइए। हाँ दो सर्कल ले लिया हमने, एक और दो, ठीक है, ये दोनों के दोनों सर्कल क्या है बच्चों आपस में कॉन्ग्रुएंट गिवन है, ठीक है जी। देन क्या कहता है कि इसके अंदर आपके पास दो कोण है, एक इसमें एक इसमें, दोनों के आपस में इक्वल है। चलिए तो यहाँ पे हम पॉइंट ले लेते हैं ओ, यहाँ पे हमने पॉइंट ले लिया पी, सेंटर ऑफ सर्कल ले लिया, एक कोण ले लेते हैं हम, ये ले ली ए बी, ठीक है। सेम ऐसी देखो इक्वल कोण्स ले ली मैंने, यहाँ पे पी एंड क्यू ले ली, तो आपके पास क्वेश्चन के अंदर क्या चीज गिवन आ गई कि गिवन है आपके पास दो आपके पास सर्कल है जो कि क्या है आपस में कॉन्ग्रुएंट है, जहां पे आपके पास ए बी इक्वल टू पी क्यू गिवन है, ठीक है। एंड इसके बाद देखो यहाँ पे वो कहता है कि इनकी हेल्प से जो एंगल सबटेंड करके बनेंगे वो इक्वल एंगल्स होंगे जो हम सेंटर से बनाएंगे। देखो कैसे, अब मैंने इन कोर्स को ज्वाइन किया, ठीक है, तो इस कोर ने एंगल सबटेंड किया, ये एंगल बनाया सेंटर से, ठीक है जी। ऐसे ही यहाँ पे देखिए इसको ज्वाइन किया और ये एंगल बनाया, इसको वन दे लो इसको टू दे लो नाम, ओके जी। अब हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव कि एंगल वन इक्वल टू एंगल टू है, यही करना है। दोबारा बता देता हूं देखो ध्यान से कि प्रूव दैट इक्वल कोर्स, इक्वल कोर्स ए बी इक्वल टू पी क्यू क्या कर रही है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है हमारे पास यानी इनके रेडियस सेम होंगे, ठीक है जी। जो एंगल्स बना रही है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे जो सेंटर से ज्वाइन करके बनेंगे। चलिए तो अब हम इसका प्रूफ लेंगे, तो प्रूफ के अंदर देखिए सबसे पहले हम दो ट्रायंगल कंसीडर करते हैं प्रूफ में, यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन की हमें जरूरत भी नहीं है। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड हमारे पास दूसरा ट्रायंगल क्या है पी, इस यहाँ पे सॉरी पी ले लिया मैंने, यहाँ पे ले लीजिए आर, ठीक है, ट्रायंगल पी क्यू आर, यही चीज है, ओके। इसको अगर हम कॉन्ग्रुएंट देखो प्रूफ कैसे करेंगे, सबसे पहली चीज हमारे पास ए ओ क्या है बच्चों रेडियस है, उसको अगर मैं इक्वल लिखूं ओ पी आर के, क्या वो इक्वल होगी, बिल्कुल होगी, क्यों, क्योंकि हमें क्या गिवन है ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल का मतलब उनके रेडियाई सेम है, ठीक है जी। तो यहां पे ओ इज इक्वल टू पी आर आ गया। देन देखो अगर मैं ये लिखूं ओ बी, मैं लिखूं इक्वल पी क्यू के, ये इक्वल इसके, ये इक्वल मैंने मान लिया इसके, जैसे मर्जी कर सकते हो रिप्लेस भी कर सकते हो, क्यों इक्वल ये सारे रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, इस वजह से इक्वल है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, अब देखो हमारे पास जो कोड है ए बी, ए बी इक्वल टू किसकी होगी आर क्यू के, यहां पे टिक कर लीजिए आर क्यू है, ओके जी, क्लियर हुआ, आ गया। अब ए बी इक्वल टू आर क्यू हो गया हमारे पास। अब देखो अगर ये चीज है तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के, क्यों होगा भाई, एस 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 रूल से होगा, साइड 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 होगा, ठीक है जी। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास तो हम क्या कहेंगे कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे, तो देयरफॉर एंगल वन इक्वल टू एंगल टू सीपीसीटी से इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे, वो हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। चलिए तो ये था क्वेश्चन नंबर वन आपका जो हमने प्रूव कर दिया है, क्या कि अगर दो सर्कल है दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है और वहां पे अगर हम दो कोण ले, ठीक है, जो इक्वल होगी,
तो जो वो सेंटर पे एंगल बनाएगी हमारे पास वो भी क्या एंगल बनेंगे, इक्वल बनेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, बिल्कुल हेल्प करूंगा। थैंक यू।